हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरुजी। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने पिछली वीडियो में आपके लिए छोड़ा था, तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें किस तरह से सॉल्व करना था। क्वेश्चन क्या है, यदि 28 पुरुष किसी कार्य के 7/8 भाग को एक सप्ताह में पूरा करते हैं तो शेष कार्य को एक अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को कार्य पर लगाना होगा। हमारे पास क्या दिया हुआ है दोस्तों, 28 मेन जो है वो किसी कार्य का 7/8 भाग जो है एक सप्ताह में यानी 7 दिन के अंदर पूरा करते हैं। अब दोस्तों हमारे पास क्या है, 7/8, यहां पर क्या है दोस्तों कि 28 पुरुष जो है मिलकर 7 दिन के अंदर 8 में से है 7 जो काम है वो खत्म कर देते हैं, तो बचा हुआ काम कितना रह गया दोस्तों, 8 में से 7 खत्म कर दिया तो बचा हुआ काम रह गया हमारे पास 1। बचा हुआ काम क्या है, बचा हुआ कार्य हमारे पास आ गया दोस्तों 1, यानी 1 जो कार्य बचा हुआ है उसे 7 दिन में खत्म करने के लिए हमें कितने पुरुष लगाने होंगे। तो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको एक फॉर्मूला कराया था, MDH बटा वर्क, इधर MDH बटा वर्क, दोनों तरफ आपको क्या लेना है MDH बटा वर्क, और दूसरी तरफ भी आपको क्या लेना है MDH बटा वर्क। बस इसके अंदर अब हमें वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास क्या था, 28 मेन जो है वो क्या है 7 दिन के अंदर जो है कितना कार्य करते हैं 7, बचा हुआ कार्य क्या है हमारे पास 1। मेन हमें निकालने हैं कि कितने मेन लगेंगे इस एक कार्य को खत्म करने के लिए, कितने दिन तक काम करना है इनको 7 दिन तक, अन्य काम एक अन्य सप्ताह में यानी 7 दिन के अंदर। बस अब हमें इसे सोल्व करना है, ये 7 से 7 यहां पर कट जाएगा, इधर हमारे पास रह गया 28, दूसरी तरफ हमारे पास है 7m, 28 बराबर m, ये 7 जो है ये इधर आके क्या हो जाएगा इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, बटा में चला जाएगा, इसे हम काट देंगे 7 चौके 28, m की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, यानी हमें 4 मेन और लगाने पड़ेंगे जिससे कि बचा हुआ कार्य जो है वो एक सप्ताह के अंदर यानी 7 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए ए अकेला किसी काम को 6 दिन में तथा बी अकेला 8 दिन में पूरा कर सकता है। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। क्या है दोस्तों हमारे पास, ए अकेला जो है वो प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करता है और 6 दिन के अंदर जो है इस तरह से काम को खत्म कर देता है। इसी तरह से बी अकेला जो है वो प्रतिदिन जो है 7 घंटे कार्य करता है और 8 दिन के अंदर जो है काम को समाप्त कर देता है। तो हमसे पूछा गया है कि अगर वे दोनों मिलकर कार्य करें और प्रतिदिन जो है 8 घंटे कार्य करें तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। दोस्तों हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए जो है वो हर रोज 7 घंटे कार्य करता है और कितने दिन करता है 6 दिन, 7 घंटे हर रोज करता है 6 दिन करता है, तो टोटल कितना हो गया 42 घंटे, हर रोज करता है 7 घंटे और 6 दिन तक उसने कार्य किया है, 6 दिन में कितना हो जाएगा 42 घंटे, यानी ए ने जो है वो 42 घंटे जो काम किया है और काम को क्या कर दिया है समाप्त कर दिया है। इसी तरह से जो है बी अकेला जो है वो क्या करता है, 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है और 8 दिन के अंदर काम खत्म कर देता है, यानी बी जो है
वो 7 घंटे प्रतिदिन करता है और कितने दिन लगाता है? 8। तो कितना हो गया हमारे पास? 56 घंटे। यानी बी जो है वो 56 घंटे के अंदर काम को खत्म कर देता है। अब दोस्तों हमारे पास क्या आ गया? ए जो है 42 घंटे के अंदर और बी जो है वो 56 घंटे के अंदर जो है काम को खत्म कर देता है। अब इनका पर डे वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, 42 और 56 का। एलसीएम हमारे पास जब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 168। ये 168 जो आया है इसे हमें मानना है टोटल वर्क। अब पर डे वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 168 को इस 42 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। जब हम इसे 168 को 42 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। ये 4 क्या आया है? ये आया है ए का पर डे वर्क, पर डे वर्क। इसी तरह से हमें क्या करना है? बी का पर डे वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 168 को 56 से क्या करेंगे? भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। यानी बी का पर डे वर्क हमारे पास आ गया 3। अब दोस्तों ये दोनों मिलकर जो है काम करते हैं तो काम कितना हो गया? 4 और 3 7। एक दिन में कितना काम हो गया? 7। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक दिन में जो है ये 8 घंटे काम करते हैं, तो हमारा क्या हो गया? 7 मल्टीप्लाई 8 कितना हो गया? 56। यानी एक दिन के अंदर जो है ए प्लस बी मिलकर अगर कार्य करेंगे तो कार्य कितना होगा? 56। यानी 56 कार्य जो है वो एक दिन के अंदर खत्म कर देंगे अगर ए और बी मिलकर काम करेंगे। और काम कितना करना है? 168। 168 को करने के लिए अब क्या करेंगे हम? ए प्लस बी जो है एक दिन में करते हैं 56। 168 को करने के लिए कितने दिन लगाएंगे? 56 से हम क्या करेंगे? इसे भाग दे देंगे तो हमारे पास आ गया 3। यानी 3 दिन लगाएंगे अगर ए प्लस बी मिलकर काम करेंगे। और काम कितना करना है उन्हें? 8 घंटे प्रतिदिन काम करना है। तो 3 दिन के अंदर जो है काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसे 6 दिन में तथा सी और ए मिलकर उसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने समय में पूरा होगा? हमारे पास क्या दिया हुआ है दोस्तों? ए प्लस बी अगर मिलकर काम करते हैं तो काम जो है 8 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। इसी तरह से उसी काम को जो है बी प्लस सी अगर मिलकर करते हैं तो काम जो है 6 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। उसी काम को सी और ए मिलकर अगर करते हैं तो काम जो है 10 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। अब दोस्तों हमें क्या करना है? इन सब का हमें एलसीएम निकालना है। जब हम 8, 6 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 120। ये हमारे पास क्या मानना है? हमें टोटल वर्क। अब हमें इनका पर डे वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस 120 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 15। 15 अब क्या आया है हमारे पास? ए प्लस बी मिलकर एक दिन में जो है 15 काम करते हैं। इसी तरह से हम क्या करेंगे? बी प्लस सी का पर डे वर्क निकालेंगे तो क्या करेंगे? 120 को हम क्या करेंगे? 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 20। इसी तरह से हम क्या करेंगे? सी प्लस ए का पर डे वर्क निकालेंगे, 120 को क्या करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। अब दोस्तों हमारे पास क्या है? ए जो है वो भी 2 बार आ रहा है, बी जो है वो भी 2 बार आ रहा है और सी जो है वो भी 2 बार आ रहा है। अब हमें क्या करना है? इनमें से हम क्या करेंगे? 2 कॉमन निकाल लेंगे। अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। इधर हम क्या करेंगे? इनको जोड़ देंगे।
हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 1 4, और ये 2 जो है ये हम इधर बटे में ले आएंगे। अब हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी का जो एक दिन का कार्य वो है कितना है, 47/2, और उसे करना कितना है, ए प्लस बी प्लस सी को मिलकर कितना काम करना है, 120। एक दिन में करते हैं 47/2, 47/2 को हम क्या करेंगे, टोटल वर्क बटा में क्या रखेंगे, पर डे वर्क। ये 2 जो है ये बटा के बटा होगा तो ये ऊपर चला जाएगा। अब हमें इसे काट देना है, काटने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले हमारे पास आ जाएगा 240/47, इसे जब आप काटेंगे तो आपके पास आएगा 5/5/47 दिन, यानी ए प्लस बी प्लस सी अगर मिलकर काम करेंगी तो काम कितने दिन में खत्म होगा, 5/5/47 दिन के अंदर जो है काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था, किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण वह 110 दिन में पूरा हो पाया। प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए, हमें बताना है कि शुरुआत के अंदर जो है कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए थे। हमने माना कि शुरुआत के अंदर m व्यक्ति जो है काम पर लगाए गए, m व्यक्ति जो है उस काम को 100 दिन के अंदर खत्म कर सकते थे। हुआ क्या दोस्तों, एम में से जो है 10 व्यक्ति चले गए और जो है बचे हुए व्यक्ति है वो 110 दिन के अंदर जो है काम को खत्म कर सकते हैं, यानी ये जो काम है ये एम माइनस 10 व्यक्ति जो है वो 110 दिन के अंदर खत्म करते हैं। अब बस हमें इसे सॉल्व करना है। हमारे पास यहां पर आ गया 100m, इधर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 110m माइनस, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1100। आप इसे यहां से भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे यहां से ये क्या है मल्टीप्लाई के अंदर है तो 0 से 0 हम इसे काट देंगे, यहां पर हमारे पास आ जाएगा 10m, इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 11m माइनस, इस 11 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -110। अब ये 11 जो है यह यहां पर क्या है प्लस का है, इधर क्या हो जाएगा माइनस का, 10m माइनस 11m यहां पर है -110। यहां पर जब हम इसे माइनस करेंगे तो माइनस का निशान क्या है, बड़ी संख्या के साथ है, तो यहां पर क्या आ जाएगा -m इज इक्वल टू -110। यहां पर माइनस माइनस को हम क्या करेंगे, काट देंगे, m की वैल्यू हमारे पास आ गई 110। यानी शुरुआत के अंदर कितने मेन लगाए गए थे, हमने माना था m, m की वैल्यू आई है हमारे पास 110। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 12 दिन में, बी और सी 8 दिन में, सी और ए 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। हमें क्या करना है कि हमें निकालना है कि बी जो अकेला अगर इस काम को करेगा तो उसे कितना समय लगेगा। हमें दिया हुआ है कि ए प्लस बी अगर मिलकर काम करते हैं तो काम जो है 12 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। उसी तरह से बी प्लस सी अगर मिलकर काम करते हैं तो काम जो है
8 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। इसी तरह से सी प्लस ए उस काम को अगर मिलकर करते हैं तो काम जो है 6 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 24। अब ए प्लस बी का पर डे वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 24 को इस 12 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2। यानी ए प्लस बी जो है मिलकर एक दिन के अंदर 2 कार्य करते हैं। इसी तरह से बी प्लस सी का निकालेंगे, 24/8 हमारे पास आ जाएगा 3। इसी तरह से 24/6 हमारे पास आ गया 4। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पर क्या है, इनका हमें क्या करना है, जोड़ करना है। जोड़ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा दोस्तों, ए भी 2 बार आएगा और बी भी 2 बार और सी भी 2 बार। इसीलिए मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, अंदर रख लेता हूँ ए प्लस बी प्लस सी। हमारे पास क्या आ गया, अंदर ए प्लस बी प्लस सी। इनका पर डे वर्क हमारे पास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनका हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। इधर हमने जोड़ किया है तो इधर भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 और 3, 5 और 4, 9। ए प्लस बी प्लस सी हमें निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी का पर डे वर्क। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को क्या करेंगे, इस 9 को इस 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ गया 4.5। यानी ए प्लस बी प्लस सी का जो पर डे वर्क है वो है 4.5। अब हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी का जो पर डे वर्क आया है हमारे पास 4.5। हमें निकालना है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, तो हम इन तीनों में से क्या घटाएं कि हमारे पास बी की वैल्यू आ जाए। यानी हमें घटाना पड़ेगा इसके अंदर से सी प्लस ए, सी प्लस ए को हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। सी प्लस ए जो है एक दिन के अंदर कितना काम कर रहे हैं, 4। यहाँ से हम क्या करेंगे, यह माइनस हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा बी, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 0.5। यानी बी अकेला जो है एक दिन के अंदर 0.5 काम करता है और उसे कितना काम करना है, 24। तो क्या होगा, 24/0.5 का मतलब क्या होता है, 5/10, तो 10 ऊपर चला जाएगा, इसे हम काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इस 2 को इस 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48 दिन। यानी बी अगर अकेला इस काम को करता है तो काम 48 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी काम के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है, पूरे काम को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। हमें निकालना है कि अगर पूरे काम को ए प्लस बी मिलकर करें तो काम कितने दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। हमें दिया क्या हुआ है दोस्तों, ए जो है वो 15 दिन काम करता है, 15 दिन के अंदर कितना काम करता है, 7/10। 7/10 जो है वो काम 15 दिन के अंदर ए खत्म कर देता है। उसके बाद जो बाकी काम है वो ए प्लस बी मिलकर जो है कितने दिन में करते हैं, 4 दिन के अंदर। अब दोस्तों हमारे पास क्या है, टोटल काम हमारे पास है 10, उसके अंदर से 7 काम जो है वह कौन करता है, ए, और बचा हुआ काम कितना है, 3। टोटल काम था 10, उसमें से 7 जो है ए ने कर दिया और बचा हुआ काम हमारे पास है 3, वो किसने किया है, बी की सहायता से, यानी ए प्लस बी ने मिलकर जो किया है, ए प्लस बी ने मिलकर जो है कितना काम किया है, 3। ये 3 काम उन्होंने 4 दिन के अंदर किया है, 4 दिन के अंदर कितना काम किया है, 3। तो एक दिन का निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे मैं इसे एक बार मिटा देता हूं। हमारे पास क्या है, 4 दिन
चार दिन के अंदर कितना काम करते हैं? तीन। एक दिन का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 3/4, यानी एक दिन का कार्य हमारे पास कितना आ गया? 3/4। एक दिन का कार्य हमारे पास आया है 3/4, और टोटल कार्य कितना है? 10। ए प्लस बी जो है मिलकर एक दिन के अंदर कितना काम करते हैं? 3/4, क्योंकि ये जो काम था ये ए प्लस बी का था। ए प्लस बी जो है एक दिन के अंदर कितना काम करते हैं? 3/4, और टोटल काम उन्हें करना है 10। तो कितने दिन लगेंगे? 3। ये 4 जो है ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40/3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 13 सही 1/3 दिन, यानी 13 सही 1/3 दिन के अंदर जो है काम खत्म हो जाएगा अगर ए प्लस बी मिलकर काम को करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जगह पर 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिन का भोजन पर्याप्त है, 28 दिन बाद 280 व्यक्ति जगह छोड़कर चले गए, बचा हुआ भोजन बचे व्यक्तियों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त है? यानी हमारे पास क्या दिया हुआ है कि 400 व्यक्ति थे, उनके लिए 31 दिन का जो था भोजन था, उसके बाद क्या हुआ 28 दिन के बाद जो है 228 दिन बाद जो है 280 व्यक्ति जो है वहां से चले गए हैं, तो बचा हुआ जो भोजन है वो बचे हुए व्यक्तियों के लिए कितने दिन तक चलेगा? तो दोस्तों हमारे पास क्या है, 400 व्यक्तियों का बचा हुआ भोजन कितना है? 31 माइनस 28, टोटल कितने दिन का था? 31 दिन का, उसमें से 28 दिन क्या है उन्होंने भोजन कर लिया है। उसके बाद क्या है दोस्तों, बटे में हमें क्या रखना है, टोटल व्यक्ति थे 400, उसमें से 280 व्यक्ति क्या है चले गए हैं, यानी क्या हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, 400 मल्टीप्लाई, इसे जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, यानी 400 व्यक्तियों का जो है अब 3 दिन का भोजन बचा है, और उसे कितने व्यक्तियों को खाना है? 400 माइनस 280, 120। अब जो वहां पर 120 व्यक्ति बचे हैं, 0 से 0, इसे हम काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, इसे काटेंगे तो हमारे पास आएगा 10, यानी बचा हुआ जो भोजन है वो कितने दिन तक चलेगा? 10 दिन तक चलेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि अकेला ए काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है तो अकेला बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? हमारे पास क्या दिया हुआ है दोस्तों, ए प्लस बी जो है वो मिलकर काम करते हैं तो काम 4 दिन में खत्म हो जाता है, और ए अकेला जब काम करता है तो उसे 6 दिन लगते हैं और काम जो है खत्म हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। जब हम 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। ये 12 क्या आया है हमारे पास, हमें मानना है इसे टोटल वर्क। अब दोस्तों हमें ए प्लस बी का पर डे वर्क निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 12/4 हमारे पास आ जाएगा 3। इसी तरह से हम क्या है, ए का पर डे वर्क निकालेंगे 12/6 यानी 2। अब ए प्लस बी मिलकर जो है एक दिन में काम करते हैं 3, और ए अकेला जो है काम करता है एक दिन में बी, तो बी का काम कितना आ गया दोस्तों, यानी बी जो है अकेला एक दिन में एक काम करता है, दोनों मिलकर जो है 3 काम करते हैं और ए जो है एक दिन के अंदर 2 काम करता है, तो हम क्या करेंगे, 3 माइनस 2 तो हमारे पास आ जाएगा 1, यानी बी जो है अकेला एक दिन के अंदर एक काम करता है और उसे काम कितना करना है, 12, एक दिन के अंदर करता है एक काम, तो 12 काम करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे, 12/1 यानी 12 दिन। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजू, रिंकू एवं राम किसी कार्य को क्रमश 6, 12 एवं 24 दिनों में पूरा करते हैं। ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? हमारे पास क्या दिया हुआ है दोस्तों? राजू जो है वो किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। उसी तरह से रिंकू जो है वो उसी काम को 12 दिन के अंदर खत्म कर सकता है और राम जो है उसी काम को 24 दिन के अंदर खत्म कर सकता है। अब हमें निकालना है कि अगर ये तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। हमें क्या करना है दोस्तों, इन तीनों का क्या लेना है हमें? एलसीएम। जब आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 24। अब पर डे वर्क निकालने के लिए उसी तरह से हम क्या करेंगे, 24/6 तो हमारे पास आ जाएगा 4, इसी तरह से 24/12 तो हमारे पास आएगा 2, 24/24 हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। अब दोस्तों राजू, रिंकू और राम अगर मिलकर काम करते हैं तो एक दिन के अंदर कितना काम होता है, 4 और 2 6 और 1 7। अगर ये तीनों मिलकर काम करें तो एक दिन के अंदर काम होता है 7 और इन्हें कितना काम करना है, 24। 24 काम कितने दिन में खत्म होगा, 24/7 एक दिन के अंदर करते हैं 7 और करना है 24, तो कितना टाइम लगेगा इनको, 24/7 जब आप इसे काटेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3/7 दिन। यानी राजू, रिंकू और राम अगर मिलकर काम करेंगे तो काम 3/7 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एवं बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 40 दिनों में तथा सी और ए 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ये हमें निकालना है। हमारे पास क्या है दोस्तों, ए प्लस बी जो है वो मिलकर अगर कार्य करें तो कार्य जो है 30 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। इसी तरह से बी प्लस सी जो है अगर मिलकर काम करते हैं तो काम 40 दिन के अंदर खत्म हो जाता है और सी प्लस ए जो है वो मिलकर काम करे तो काम 60 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है, ठीक उसी तरह से जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं। जब आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 120। अब पर डे वर्क निकालने के लिए 120 को 30 से डिवाइड करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एवं बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 40 दिन में तथा सी और ए 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। हमसे पूछा गया है कि ए बी और सी अगर मिलकर काम करें तो काम कितने दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। हमें दिया हुआ है दोस्तों, ए प्लस बी जो है मिलकर काम करते हैं तो काम 30 दिन के अंदर, इसी तरह से बी प्लस सी अगर मिलकर काम करते हैं तो काम 40 दिन के अंदर खत्म हो जाता है और सी प्लस ए अगर मिलकर काम करते हैं तो काम जो है 60 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 120। एलसीएम कितना आ गया, 120। पर डे वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस 120 को क्या करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, इसी तरह से 120 को 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, इसी तरह से 120 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। अब हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का, कि ए प्लस बी प्लस सी अगर मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन सब का प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर क्या है, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, इसीलिए 2 को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर हमारे पास रह जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी इधर भी हम इनका क्या करेंगे, जोड़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
चार और तीन सात और दो नौ। अब हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का पर डे वर्क, यानी हमें क्या करना होगा, इस दो को इधर इसके बटे में लेके जाना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से इरेज कर देते हूँ। अब हमें क्या करना है, हमें पता है टोटल कार्य कितना है 120। 120 को खत्म करने के लिए ये जो है एक दिन में करते हैं 9/2। तो 120 कितने दिन में खत्म होगा, तो हम क्या करेंगे 120 बटे क्या करेंगे 9/2। तो 2 क्या है, ऊपर चला जाएगा, इसे हम काट देंगे। काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 से काटेंगे 0, यहाँ पर 3 ऊपर हमारे पास, इसे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80/3। इसे जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 26/2/3। 26/2/3 दिन, यानी ए प्लस बी प्लस सी अगर मिलकर काम करेंगी तो काम जो है 26/2/3 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और यह है दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन जो कि आप सबके लिए है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा। और अगर किसी से ये सॉल्व नहीं हो पाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन कराऊंगा, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो आप इसे जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।